नगर निगम जलकुंभी को लेकर बहुत गंभीर है। नगर निगम के स्तर पर एक डिविडिंग मशीन है हमारी, जो लगातार नियमित रूप से जलकुंभी को निकालने का कार्य अनवरत कर रही है। इसके अलावा वार्ड के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से भी निरंतर जलकुंभी को निकाला जा रहा है। जलकुंभी फैलने का मुख्य कारण एक ही है कि जब तक इसका एक भी अगर फूल रह जाता है तो उसकी संख्या को बढ़ा देता है, और किनारों पे हमारी मशीन जा नहीं पाती है, उसको कर्मचारियों के माध्यम से निकाला जाता है। वहाँ अगर कुछ रह जाता है तो इसकी संख्या बढ़ जाती है, उसको भी हम शीघ्र से शीघ्र निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पुरानी चौपाटी पर चारों तरफ जलकुंभी का केयर नज़र आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है सर, उसको आपको बताया जैसा कि डिविडिंग मशीन निकालने का निरंतर कार्य कर रही है, उसको अभी और बाउंड कर देते हैं, उसको शीघ्र से शीघ्र निकाला जाए। सर, जलकुंभी बढ़ने का कारण क्या है? जलकुंभी का जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अगर इसका एक भी फूल अगर रह जाता है तो वो उसकी संख्या को काफ़ी ग्रोथ कर देता है, और यही कारण है कि जो किनारों पर से जलकुंभी नहीं निकाली जाती, कांटों में फंस जाती है, जहाँ मशीन नहीं जा पाती, तो वो उसकी संख्या में इजाफा कर देता है, और यही कारण इसका मेरी नज़र में बढ़ने का है। मशीन कंटिन्यू चल रही है जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चल रही है। क्या नुकसान हो रहा है? जलकुंभी से नुकसान होता ही है, अंदर जो पानी में जीव जंतु रहते हैं, प्लस इसका ऑक्सीजन लेवल है, ये पानी का ऑक्सीजन लेवल भी कम करती है, तो इसमें जो भी उचित कार्रवाई शीघ्रता से की जा रही है। मनीष शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम।